सेंटेंस यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहे और यदि वह पैसिव वॉइस में रहे तब नेगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नोट प्लस बींग प्लस वी थ्री। और यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव रहे इट मीन्स यदि सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य रहे तब स्ट्रक्चर हो जाएगा एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वी थ्री। और यदि सेंटेंस निगेटिव इंट्रोगेटिव रहे इट मीन सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुआ रहे और उसमें नहीं भी लगा हुआ रहे और सेंटेंस यदि पैसिव वॉइस में रहे तब स्ट्रक्चर हो जाएगा निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बींग प्लस वी थ्री। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एम इज आर जब भी प्रयोग में आएगा तो वो सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग में आएगा, ठीक है। एम इज आर का प्रयोग आपको सब्जेक्ट के अनुसार करना है, ठीक है। तो मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर बता दिया। अब मैं इस एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करूंगा। मुझे प्यार नहीं किया जा रहा है या क्या है निगेटिव सेंटेंस है। तो पहले आप देखें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है मुझे, मुझे के लिए आप आई प्रयोग करते हैं और आपको पता है आई के साथ हमेशा हम एम प्रयोग करते हैं। चूंकि यह निगेटिव सेंटेंस है तो पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है आई, अब आई के अनुसार यहाँ पर एम आ जाएगा, है ना। निगेटिव सेंटेंस है तो एम के तुरंत बाद नोट आ जाएगा और नोट के बाद बींग आएगा, ठीक है। अब बींग के बाद जो भी वर्ब रहेगा उसका तीसरा फॉर्म, वर्ब यहाँ पर क्या है प्यार करना, अर्थात लव का तीसरा फॉर्म क्या हो जाता है लव्ड हो जाता है, तो यहाँ पर हम लव्ड लिख देंगे, ठीक है। मुझे प्यार नहीं किया जा रहा है, आई एम नॉट बींग लव्ड। नई किताबें नहीं खरीदी जा रही हैं, तो पहले आप देखो सब्जेक्ट क्या है नई किताबें द न्यू बुक्स, ठीक है। अब चूंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर है बहुवचन है तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग में आएगा वो भी प्लूरल आएगा, ठीक है। अर्थात यहां पर हम आर प्रयोग करेंगे, आर के बाद नोट आ जाएगा, उसके बाद बींग आ जाएगा और जो भी वर्ब है उसका तीसरा फॉर्म, ठीक है। वर्ब यहां पर क्या है खरीदना, बाय का तीसरा फॉर्म क्या होता है बाउट होता है, तो यहां पर हम बाउट लिख देंगे, ठीक है। नई किताबें नहीं खरीदी जा रही हैं, द न्यू बुक्स आर नॉट बींग बाउट, ठीक है। विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है विद्यार्थियों, ठीक है, प्लूरल नंबर है तो द स्टूडेंट्स आर नॉट बींग टाउट, ठीक है। विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाया जा रहा है, द स्टूडेंट्स आर नॉट बींग टाउट। कुर्सियां नहीं बनाई जा रही हैं, द चेयर्स आर नोट बींग मेड, मेक का तीसरा फॉर्म मेड हो जाता है, ठीक है। तो कुर्सियां नहीं बनाई जा रही हैं, द चेयर्स आर नॉट बींग मेड। तुम्हें गाली नहीं दी जा रही है, यू आर नॉट बींग abused, तुम्हें गाली नहीं दी जा रही है, you are not being abused। मोहन को चेतावनी नहीं दी जा रही है, मोहन is not
बींग वार्न्ड, ठीक है, वार्न में ईडी लगा देंगे तो तीसरे फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। क्या आपको तंग किया जा रहा है? अब आप देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, आपको अर्थात यू। जैसा कि आपको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के अनुसार एमिजार से सेंटेंस की शुरुआत कर लेते हैं, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है यू, अर्थात आर से सेंटेंस की हम शुरुआत करेंगे क्योंकि यू के साथ हमेशा आर प्रयोग में आता है, ठीक है। तो आर, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, तो सब्जेक्ट के बाद बींग आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी वर्ब है उसका तीसरा फॉर्म, ठीक है। वर्ब यहां पर क्या है, तंग करना, वैक्स में यदि आप ईडी लगा देंगे तो तीसरे फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, वैक्स्ड। क्या आपको तंग किया जा रहा है? आर यू बींग वैक्स्ड? क्या गरीबों को शिक्षित नहीं किया जा रहा है? यहां पर एक चीज आप देखो, क्या से सेंटेंस की शुरुआत हुआ है और इसमें नहीं भी लगा हुआ है, अर्थात निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार पहले हम एमिजार से सेंटेंस की शुरुआत कर लेंगे। सब्जेक्ट यहां पर क्या है, गरीबों, प्लूरल नंबर है, ठीक है, द पुअर, इसके साथ हम आर प्रयोग करते हैं तो सेंटेंस की शुरुआत आर से करेंगे, ठीक है, आर द पुअर। अब देखो चूंकि निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद पहले नोट आएगा, ठीक है, इसके बाद बींग आ जाएगा। अब बींग के बाद जो भी वर्ब रहेगा उसका तीसरा फॉर्म, ठीक है, और वर्ब यहां पर क्या है, शिक्षित करना, एजुकेट, एजुकेट में यदि आप ईडी लगा देंगे तो तीसरे फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, एजुकेटेड। क्या गरीबों को शिक्षित नहीं किया जा रहा है? आर द पुअर नॉट बीइंग एजुकेटेड? क्या राम की मदद नहीं की जा रही है? ये भी निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, तो इज राम नॉट बीइंग हेल्प्ड? क्या राम की मदद नहीं की जा रही है? इज राम नॉट बींग हेल्प्ड? क्या प्याले नहीं धोए जा रहे हैं? आर द कप्स नॉट बींग वॉश्ड? वास में यदि आप ईडी लगा देते हैं तो तीसरे फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, तो क्या प्याले नहीं धोए जा रहे हैं? आर द कप्स नॉट बीइंग वॉश्ड? क्या रोगी की जांच नहीं की जा रही है? इज द पेशेंट नॉट बीइंग एग्जामिन्ड? देखो एग्जामिन में सिर्फ आप डी लगा देंगे तो क्या हो जाता है, तीसरे फॉर्म में आ जाता है। एग्जामिन मीन्स होता है जांच करना, इसमें केवल आपको डी जोड़ देना है तो ये तीसरे फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो क्या रोगी की जांच नहीं की जा रही है? इज द पेशेंट नॉट बीइंग एग्जामिन्ड? क्या एक कुआं खोदा जा रहा है? ये सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, ठीक है, तो इज ए वेल बींग डग? देखो डिग का तीसरा फॉर्म डग हो जाता है, ठीक है, तो क्या एक कुआं खोदा जा रहा है? इज ए वेल बींग डग? क्या आपकी मदद नहीं हो रही है? यह भी निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, सब्जेक्ट यहां पर क्या है, आपकी, अर्थात यू के साथ हम आर प्रयोग करते हैं तो आर You not being helped? क्या आपकी मदद नहीं हो रही है? Are you not being helped?